कैसे आप सब। नैना स्टार वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइज। मैं आ गई हूँ नैना आपके लिए बड़ी रीडिंग लेके। तो गाइज मैं आज देखना चाहूंगी कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस हैं भी या नहीं। ठीक है, क्या आपके लिए, अगर वो आपको छोड़ के चले गए हैं या वापिस आना चाहते हैं या कुछ भी है, तो क्या उनके मन में आपके लिए सीरियस कुछ है कि सब मतलब दिखावा था या है या था। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। तो मैंने सोचा कि चलो इसी टॉपिक पे रीडिंग बनाते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस हैं आज भी या बस टाइम पास चल रहा था या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एंजल प्लीज मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, और गाइस थीटा पे ध्यान मत दीजिएगा, रीडिंग पे दीजिएगा। अगर आपके साइंस नहीं भी आते तब भी ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है, क्योंकि बड़ी रीडिंग है तो ऑलमोस्ट सारे साइन आ जाते हैं, फिर भी नहीं आया तो आप रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं ऑल साइंस के लिए बना रही हूँ, कोई साइंस के अकॉर्डिंगली बना रही। ठीक है, एंजल प्लीज बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए सीरियस हैं। ओके, दो कार्ड आ चुके हैं। लीजिए, मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब तो मिल गया होगा कि सीरियस है कि नहीं है। आप खुद देख सकते हो गाइस, आपके सामने शफल कर रही हूँ, कोई सोच के तो कार्ड नहीं निकाल रही। ठीक है एंजल प्लीज बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए सीरियस हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे थे या कर रहे हैं। एंजल प्लीज बताइए। ओके, एंजल प्लीज बताइए और मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या मेरे व्यूअर्स के लिए सीरियस हैं या सिर्फ टाइम पास था। एंजल और कार्ड दीजिए प्लीज। एंजल प्लीज बताइए और बताइए, मैसेज दीजिए मेरे। ओके थैंक यू। ओके, कार्ड और लेने होंगे हमें इतने कार्ड से। ओके, और आ गए दो कार्ड। वेट गाइस, मैं थोड़ी सी जगह बना लूं ताकि आपको कार्ड अच्छे से दिखें। ठीक है, यस, दो कार्ड हमें और चाहिए। आ गए कार्ड, एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया, कोई बात नहीं, हम रख लेते हैं, बॉटम ऑफ द डेक भी देखते हैं। ओके, एस ऑफ वांड्स। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं आपको साइंस बता दूं, यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, एरीज लियो सजिटेरियस है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है। वेट वेट वेट, ठीक है, और टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। ठीक है, ये साइंस है, ये आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ठीक है साइंस, तो देखिएगा यहां से मैं एक बात बोलूं, अगर आपको लगता ना कि आपके पार्टनर ने आपके साथ आपके लिए सीरियस नहीं थे, देखिए आपके पार्टनर सीरियस तो थे और सीरियस हैं। अब क्या सरकमस्टांसिस बने हैं क्या नहीं बने वो मैं आपको बताऊंगी जो मुझे यहां पे दिख रहा है, लेकिन ये चीज नहीं मैं बोल सकती कि आपके पार्टनर आपके साथ सीरियस नहीं थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि जिसकी वजह से आपके पार्टनर को इस रिश्ते से निकलकर जाना पड़ा और वो मुझे दिख रहा है मजबूरी। क्योंकि मुझे पता है गाइज, आप लोगों को ने मानना बहुत एक मुश्किल चीज है, बहुत मुश्किल, क्योंकि आपने ना काफी चीजें फेस की हैं, लेकिन आपके पार्टनर की सिर्फ मुझे एक चीज नजर आ रही है जो गलत मुझे दिख रही है ज्यादातर। उन्होंने ना हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया, एक तो फॉर ग्रांटेड लिया, दूसरा हमेशा आपको इग्नोर किया और एटीट्यूड दिखाया, ये चीज मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। लेकिन अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं, प्यार की बात करूं, तो वो था। अब मैं आपको बताती हूँ रीजन की, रीजन क्या थे। देखिए आपके पार्टनर यहां से जो मुझे दिख रहा है, सबसे जो मुझे मेन चीज दिख रही वो है मैरिज का, या तो किसी मैरिज के साथ डील कर रहे थे आप, ठीक है, या आपके पार्टनर कहीं कमिटेड थे। अगर अनमैरिड थे, क्योंकि गाइज आप लोगों को मैं सारे सिनेरियो इसीलिए बताती हूं ताकि, क्योंकि सब, अब सब अनमैरिड नहीं हो सकते, सब मैरिड नहीं हो सकते, ठीक है, सब कमिटेड नहीं हो सकते, तो इसीलिए मैं सब चीजें अलग अलग इसलिए बताती हूं ताकि आप लोगों के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके साथ रेजोनेट हो। ठीक है,
तो आपके साथ कौन सा मैसेज डिफर करता है, कौन सा मैच करता है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, लड़का लड़की जो भी आपके पार्टनर, वो आप देख सकते हो। ठीक है, मुझे यहां से ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो थे ना, अगर आपको लगता है कि आपने जो आप में एक फायर है वो आपके पार्टनर के दिल में कम हुआ, नहीं हुआ। आज भी आपने जो एक फायर आपने दिया ना अपने पार्टनर को, वो आज भी बरकरार है। चाहे वो किसी भी हालातों में निकल के आपको छोड़ के आगे गए हैं, या जो ब्रेकअप किया है, जो भी किया है, ठीक है। लेकिन रीजन मेरे को यही दिख रहा है कि यहाँ पे, हाँ मैं बता रही थी रीजन, एक तो मुझे लग रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, जिनकी वजह से आपके पार्टनर ना तो आपको छोड़ पा रहे हैं और ना आपके पार्टनर अपनी फैमिली को छोड़ पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा मुझे ये लग रहा है कि कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपने मैरिज का या अपने कमिटेड होने का आपको बताया ही नहीं, छुपाया गया। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड बताया जाता है कि आपके पार्टनर ने आपसे बहुत चीजें हाइड की हैं, अपनी फीलिंग्स तक हाइड की हैं, अपनी चीजें तो हाइड की ही की हैं जो उनकी लाइफ में चल रहा था। कई लोग तो मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता कि मेरे पार्टनर की बंदा बंदी, जो भी मेरे पार्टनर है, उनकी लाइफ में एक्चुअली में चल क्या रहा है। क्योंकि आपको वही चीज दिखाई गई है जो आपके पार्टनर ने बोला, और क्योंकि आप अपने पार्टनर पे अनकंडीशनल प्यार भी करते थे और भरोसा भी करते थे, जिसकी वजह से आपको ये लगता था कि मेरे पार्टनर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, वो गलत नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। मैं नहीं बोलूंगी कि आपकी कोई गलती है, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उसको हम सब कुछ मान लेते हैं, हमारे लिए वो भगवान है, उसने जो बोल दिया वो सच है, चाहे वो झूठ को शहद में डिबो डबो डबो के हमें दिखा रहा है और मीठे शब्द बोल रहा है, और मतलब जिसे बोलते हैं ना कि कड़वे करेले को ऊपर हनी से कोट करके आपको दिखा रहा है, तो आपको ये लगेगा कि नहीं ये तो बहुत मीठा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अंदर तो ये करेला है एक्चुअली में कड़वा, लेकिन आपको ऊपर वाली कोट दिख रही है ना कि कोट शहद से की हुई है, आपको वो चीज दिख रही है क्योंकि आपने खाया तो है नहीं। तो वही आपके पार्टनर, इनके दिल में बहुत चीजें हाइड थी, लेकिन आपको ऊपर से जो दिखाया जा रहा था, जो मूवी दिखाई जा रही थी आपको, देखो आप स्टार्ट से बिगनिंग करते हो, आप पूरी वीडियो नहीं देखते, फिल्म नहीं देखते, आप एंड देख लेते हो, लेकिन आप प्रोमो से ही सिर्फ वो सोच लेते हो कि नहीं यार ये फिल्म तो बहुत अच्छी है, क्योंकि प्रोमो हमें गिने चुने दिखाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब हम फिल्म पूरी देखते तब हमें पता चला अरे यार प्रोमो तो इतना अच्छा दिखाया था, फिल्म तो बिल्कुल बकवास थी, या प्रोमो तो बकवास सा दिखा रहे थे, फिल्म तो इतनी अच्छी थी, उल्टा हो जाता। तो वैसे आपके पार्टनर ने आपको जो दिखाया आपने देख लिया, आपको नहीं पता कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने आपको बताया ही नहीं कि उनकी वो कमिटेड है किसी और के साथ, और ये रीजन क्यों आपके पार्टनर ने छुपाया, क्योंकि आपके 1 मिनट गए, आपके जो इंसान है ना वो खोना नहीं चाहते थे आपको, वो नहीं चाहते थे कि आप दोनों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आए जिनकी वजह से आप में दूरी बन जाए, लेकिन फिर भी कुछ हालात ऐसे बने कि आप दोनों में दूरी बनी। चाहे आपके पार्टनर, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपका ब्रेकअप हो चुका है, हाँ यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर ऑन ऑफ कर रहे हैं, और ब्रेकअप मुझे बहुत, ब्रेकअप नहीं, मुझे ब्लॉक्ड एनर्जी ज्यादा दिख रही है। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से आपने बहुत सफर किया, आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छा एक जिसे बोलते हैं ना सफर आप लोगों ने स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा था। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर मुझे घमंडी बहुत लगते हैं, आपको हमेशा रूल करते थे, आपको हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहते थे, वो जैसे आपको चलाना चाहते थे वो चला रहे थे आपको, आपने अपने मुताबिक कुछ भी नहीं किया। तो अब मैं आपको बताती हूँ अच्छी चीजें, ठीक है, ये तो हो गया वो जो था, अब मैं बताती हूँ अच्छी चीजें। देखिए आप, मैंने बोला ना कि आपके पार्टनर को आगे घसीटा गया है, ठीक है, किसने घसीटा है, उनकी फैमिली ने, चाहे मैरिड है तो उनकी वाइफ ने, अगर अनमैरिड है तो उनकी मदर या उनके फादर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे अगर देखो तो एक कपल निकला है, ये कपल यहाँ पे किंग ऑफ सॉरी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, और यहाँ पे अगर ये भी नहीं है तो ये उनकी मदर हो सकती है और वाइफ हो सकती है, और यहाँ पे आपके पार्टनर का मुझे ईगो काफी दिख रहा है, काफी ज्यादा आपके पार्टनर ईगोइस्टिक है या थे, जिसकी वजह से आप कुछ आपका रिलेशनशिप, क्योंकि आपके पार्टनर ये चाहते थे कि आपने सवाल नहीं कोई उनसे करना, उनकी मेन चीज ये थी, जहां आपने 4 सवाल किए वहां ही आपसे बातचीत बंद,
क्योंकि वो आपको अपने हिसाब से आपसे कम्युनिकेशन भी करनी है अपनी मर्जी से, जब उनको वक्त मिलता, जब उनको दिल करता तब आपसे कम्युनिकेशन करनी, अदरवाइज नहीं। क्योंकि आपका जो रिश्ते की जितनी भी कमान मुझे दिख रही है ना, आपके पार्टनर के हाथ में दिख रही है, आपके हाथ में नहीं। जिसकी वजह से सच्ची बोलूं, आपने बहुत बर्डन सहा है, बहुत ज्यादा आपने फेस किया है, आप रातों को रोए हो, बर्डन है। लेकिन एक बात बोलूंगा इस, आप दोनों एक दूसरे के लिए फिजिकली बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो। आपको आपके पार्टनर का नशा है, आज भी आपके पार्टनर को आपका नशा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप साथ में हो नहीं सकते और हो नहीं पा रहे, और रीजन मैंने आपको बता दिया है कि या तो आपके पार्टनर कमिटेड है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो नेचुरली सी बात है, चाहे वो अगर मैरिड है तब भी थर्ड पार्टी है, अगर अनमैरिड है तो कमिटेड है तो तब भी थर्ड पार्टी है, ठीक है। आपके पार्टनर अगर आगे बढ़े हैं ना, तो वो एक बोलते हैं ना कि किसी लवी डवी की चीज की वजह से बढ़े हैं, नहीं वो उस चीज की वजह नहीं, फैमिली दिखी है मुझे, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, और आप में लॉन्ग डिस्टेंस भी है। लेकिन अगर अब मैं बताती हूँ कि आपके पार्टनर की जो अच्छी चीजें, देखिए आपके पार्टनर आज भी आपके साथ बैलेंस बना के फिर से सोच रहे हैं कि चलूं इस रिश्ते में, उनकी सोच है। क्यों? क्योंकि वो अकेलापन फेस कर करके, इतना बर्डन सह सह के, आपको याद कर करके थक चुके हैं, वो अब चेंज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिरिकल हो जाए कि मैं दोनों चीजों को संभाल पाऊं। क्योंकि उनसे अब बर्डन जो है ना वो फेस नहीं हो रहा। पहले आपके पार्टनर को आपका रिश्ता बर्डन लग रहा था, जिसकी वजह से वो निकल गए। मैं सच बोलूंगी, आपके पार्टनर को ना आपका रिश्ता ये बर्डन लग रहा था कि मतलब बर्डन है मुझसे नहीं ये हो पा रहा, जिनकी वजह से निकल गए आपके पार्टनर, ठीक है। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा आपके पार्टनर में एक चेंज लग रहा है। चेंज क्या लग रहा है? क्योंकि आपके पार्टनर इस रिश्ते में वापस से आना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो मेन मुझे दो चीजें दिख रही है वो ये है कि जिनके साथ भी हैं, अगर मैरिड है तब भी खुश नहीं है, अगर कमिटेड है तब भी आपके पार्टनर खुश नहीं है। क्योंकि उनको ना आपने आपकी तरफ एक ऐसी वाइब्स आती हैं जो किसी और की तरफ नहीं आती। अगर आप जहां से सीधा सीधा देखो तो देखिए, यहां पे है आपके पार्टनर पहले अपना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अब अपने एफर्ट लगाना चाहते हैं। रीजन फिजिकल अट्रैक्शन। अगर मैरिड है तब भी आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कम्युनिकेशन का कारण निकला है। और आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे आपके पार्टनर यहाँ पे खुश नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस है, आप बहुत फायर एनर्जी आपके पार्टनर में है, वो इस रिश्ते में वापिस से फिर से आना चाहते हैं, चाहे उनको बैलेंस बना के आना पड़े, क्योंकि आपके पार्टनर ना बर्डन सह नहीं पा रहे। उन्होंने सोचा कि चलो आगे बढ़ जाता हूँ, अपनी लाइफ पे ध्यान देता हूँ, फोकस करता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन गाइस, जो सोच के वो आगे गए ना, वैसा कुछ हुआ नहीं, उनकी लाइफ में कुछ चेंज आया नहीं, जिसकी वजह से उनको अब उस मिरिकल का इंतजार है कि कुछ ऐसा मिरिकल हो जाए और आपकी तरफ आ जाए। और इस बार जब भी आपके पार्टनर आएंगे ना, अपना घमंड को थोड़ा सा साइड पे रख के आएंगे, ठीक है ना, ऐसा मेरे को दिखाई दे रहा है। चलिए एक्शन में देखते हैं। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आने वाले टाइम में, क्योंकि देखिए हमने यही देखना था कि क्या उनको थोड़ा सा वो चेंज वेंज कुछ भी है कि नहीं है, लेकिन है। एंजल प्लीज बताइए आने वाले टाइम में क्या होगा, क्या इनके पार्टनर एक्शन लेंगे? देखिए गाइज, एक्शन तो लेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपकी बातों को। आपने जो भी उनको, अगर आपने कोई गिफ्ट्स दिया है, कुछ भी, अगर आपके पार्टनर के पास आपका कुछ दिया हुआ कोई गिफ्ट्स, कोई शर्ट, कुछ भी है, उनको देखते देखते कि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं। एंजल प्लीज बताइए क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनकी तरफ कुछ एक्शन लेंगे? यस, ये कार्ड ही एक्शन क्या गाइस, एक्शन तो लेंगे आपके पार्टनर आपकी तरफ, ठीक है ना, एक्शन तो लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर इस रिश्ते की कमान को अब अपने हाथ में लेना चाहते हैं, ठीक है ना। अब मुझे नहीं लगता आपके पार्टनर दुनियादारी की परवाह करने वाले, क्यों? आपने बहुत अनकंडीशनल लव दिया। मैंने बोला ना कि आपके पार्टनर जहां भी है वहां खुश नहीं है, क्योंकि जो आपने उनको दिया वो उनको कहीं और से मिल ही नहीं रहा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब बर्डन नहीं सह रहे। पहले उनको ये रिश्ता बर्डन लगता था आपका, लेकिन अब आपके पार्टनर को जहां पे है वो चीज बर्डन लगती है, जिनकी वजह से आपके पार्टनर वहां से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अकेलापन बहुत फेस कर लिया, अब नहीं करना चाहते, ठीक है, क्योंकि आपका जो प्यार है ना वो उनको खींच के लेके आ रहा है वापस। एंजल प्लीज इस रीडिंग का आउटकम लीजिए, इस रीडिंग का आउटकम दीजिए प्लीज। एंजल प्लीज इस रीडिंग का आउटकम दीजिए। ओके,
देखिए गाइस, जस्टिस आप दोनों के साथ जस्टिस होगा, ये आउटकम निकला आपकी रीडिंग का। आप लोगों के साथ जस्टिस होगा, अगर आपको जस्टिस नहीं मिला तो आपको जस्टिस मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए इस राइट टाइम पे। देखिए गाइस, अगर आपको लगता है कि आपके मैसेज करने से एक तो यहाँ पे मुझे एज गैप लग रहा है, दूसरा मेरे को ये लग रहा है क्योंकि यहां से अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज तो करेंगे क्योंकि उनके दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस है, मुझे कॉल मैसेज करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा मेरे को दिख रहा है। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस है उनके लिए। देखिए यहाँ पे मैसेज ही आ रहा है, आपको अपने पार्टनर की वेट करनी है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है गाइडेंस आपके लिए कि आप, यहाँ पे भी आपके पार्टनर को कॉल मैसेज आएगा और यहाँ पे भी आया कि आपके पार्टनर कुछ सोच तो रहे हैं आपसे कॉल मैसेज, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, अपनी ईगो को छोड़ के आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करके चेंज तो लेके आएंगे, ऐसा दिखाई तो दे रहा है। और यहाँ पे भी देखिए आपके पार्टनर के दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, ठीक है ना, ये आपके लिए गाइडेंस थी। अब हम एंजल का कार्ड निकाल लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। इनर चाइल्ड, देखिए आप अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दीजिए, ठीक है, अंदर के जो आपने मासूम एक बच्चा है ना जिसको आपने ज्यादा अंदर ही अंदर घुट घुट के मार दिया, तो आपको वो नहीं करना। एक और देते हैं पवित्रता, आपका रिलेशन है ना जो जैसा भी है, देखिए जब हम किसी इंसान को उसकी अच्छाइयां और उसकी बुराइयां के साथ एक्सेप्ट करते हैं ना तो असली वही ट्रू लव होता है, उसे अनकंडीशनल लव बोला जाता है, जिसमें कोई बंधन नहीं होता, जिसमें हम उनके परिवार को भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसा वो इंसान है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हाँ, ये हमें पता होता है कि इस बंदे के साथ हमारा फ्यूचर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा प्यार कम नहीं होता, तो एक्चुअली में वही ट्रू लव है, ठीक है। और यहाँ पे तो भगवान ने भी आपको बता दिया कि आप दोनों के हालातों में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपका जो एक रिश्ता है ना वो पवित्र है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में ना मुझे गंदगी नजर नहीं आई, सच्ची बोलूं तो, जिसे बोलते ना एक मतलब धोखा धड़ी ये वो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। प्रॉब्लम क्या है, फैमिली, ठीक है, जिसकी वजह से उनको आगे जाना पड़ा। तो गाइज ये थी एक रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज गाइज जाइए और फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।